पाँच पाँच से निहत्थी और बेगुनाह खवातीनों को गैर कानूनी तौर पर जेलों में बंद किया गया है। पाँच मास से सिर्फ इस जुर्म की सज़ा के तौर पर कि वो अपने लीडर के ख़िलाफ़ झूठे बयान देने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं, उनको अपने ख़ानदान से अपने बच्चों से दूर रखा गया है। क्या सबूत हैं आपके पास उनके ख़िलाफ़? पाँच माह में कोई शख्स या अदारा उनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह का कोई सबूत पेश नहीं कर सका। मुझ समेत उन सब ख़वातीन पर क्या इल्ज़ाम है कि जी हमने बगावत कर दी है, हमने पता नहीं क्या कर दिया है। क्या सबूत है आपके पास? बार बार वही दो चार वीडियोस निकाल के ले आते हैं जिसके अंदर जो है पूरा मैं एहतजाज करते हुए जा रहे हैं, गुस्से में एक आधी बात कह रही है, गुस्से में एक आधी बात कहने पर क्या बगावत के पर्चे कट जाते हैं। और जो बातें की जा रही हैं, क्या उसमें यह कहा जा रहा है कि मुल्की इमलाक को नुकसान पहुँचाया जाए, तोड़ फोड़ की जाए या कि जलाओ घिराव किया जाए? कोई ऐसा वीडियो एविडेंस आपके पास मौजूद है जिसमें यह कहा जा रहा हो कि तोड़ फोड़ की जाए, जलाओ घिराव किया जाए? सेफ सिटी कैमराज के नाम पे पता नहीं आवाम के कितने पैसे आप लोग खा गए हैं। क्या उसके अंदर कोई वीडियो मौजूद नहीं थी? क्या अदालतें ये सवाल नहीं करती कि वो उसकी सारी रिकॉर्डिंग कहाँ गई है? जिना हाउस की जो थी, जिना हाउस है या सीसी हाउस है, उसकी क्या अंदर कोई रिकॉर्डिंग वगैरह मौजूद नहीं थी जो बता सकती कि किसने ये आग लगाई है, तोड़ फोड़ की है? जो खवातीन जिनके ऊपर इल्ज़ाम है या जिस कारकुन के ऊपर इल्ज़ाम है या मेरे पर जो इल्ज़ाम है, क्या हम किसी टैंक पर बैठ के वहाँ पर हमलावर हुए थे? हमारे हाथ में रॉकेट लॉन्चर्स थे, हमारे हाथ में एटम बम था, हमारे हाथ में बम्स थे, वेपन्स थे, आतिशकीर मादा था, क्या था हमारे पास? निहत्ते लोग पुरमन एहतजाज करते हुए जा रहे थे। कब से पाकिस्तान के किसी कानून आन की किताब के अंदर पाकिस्तान के आज़ाद शहरियों को अगर किसी बात पर एतराज़ हो तो वह एहतजाज नहीं कर सकते? कहाँ लिखा है ये? आपके पास कोई सबूत है तो पेश करें अदालत के अंदर ना, सबूत है तो पेश करें। मगर सबूत कैसे पेश करेंगे? सबूत तो जुर्म के होते हैं, गुनाह के सबूत होते हैं, मगर जब कोई जुर्म किया ही नहीं, कोई गुनाह किया ही नहीं, तो सबूत कहाँ से आएंगे? हमारी अदालतों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है इसके अंदर। मैं ये कहना चाहूँगी अपनी अदलिया से कि अल्लाह की सिफात में से एक सिफ़त है अदल और इंसाफ करना। अल्लाह पाक ने आपको बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी है, तो क्यों इंसाफ नहीं करते आप अपने ओहदे के साथ भी? क्योंकि सवाल नहीं करते कि बेगुनाह खवातीनों को पाँच माह से जेलों में बंद किया हुआ है, इनके खिलाफ क्या सबूत है? और जब सबूत ही नहीं है तो कोई शख्स भी जिसके खिलाफ सबूत नहीं है वो एक मिनट भी जेल के अंदर गैर कानूनी तौर पर क्यों कैद रहे? आप देते हैं जमानत सबूत ना होने पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्यों उसकी रोकथाम नहीं की जाती है? अवाम अपने पेट काट के अपने टैक्स के पैसों से ये सारा निज़ाम चलाती है। कितनी कितनी तनख्वाहें जाती हैं आप लोगों की, सारी ज़िंदगी आपको बेशुमार मुराद मिलती हैं, पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री, गैस फ्री, शानदार घर मिलते हैं, काम के लिए आपको हेल्पर्स मिल जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद आपको ताहयात आपको जो है वो मुराद मिलती रहती हैं। किस लिए? क्या मांगती है आवाम बदले में आपसे? कि हमें इंसाफ दिया जाए, एक आम आदमी को भी इंसाफ दिया जाए। क्या ताकतवरों को खुश करने के लिए अदालतें बनाई गई हैं? फिर जब एक आम इंसान एहतजाज करते हुए अपना हक मांगने के लिए बाहर निकलता है, उसके ऊपर आप बगावत के पर्चे काट देते हैं। कब तक मुल्क के अंदर ये तमाशा चलता रहेगा? बस करें भाई, अब ये आपके पास कोई सबूत है तो पेश करें। मेरी बहन सनम जावेद खान, उसकी ज़मानत हुई, उसको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया, सबूत कोई भी नहीं है। बस इसलिए कि उसकी जरूरत कैसी हुई कि वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए या अपना हक इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकले। उसका मियाँ दो माह से वो बेचारा अभी जेल के अंदर बंद है, तो तीन माह बल्कि होने वाले हो गए हैं। उसका क्या जुर्म है? उसके बच्चे अपने दोनों वालदैन के बगैर क्यों रहें? वो तो आज तक कभी, जो उसका मियाँ है मेरी बहन का, वो तो आज तक कभी कहीं गया भी नहीं है, सिर्फ लेने और छोड़ने गया था उसको। उसका क्या कसूर है? प्रोफेसर है SCCA का, माशाल्लाह। ये पाकिस्तान के अंदर उस्ताज़ा के साथ जो है वो सलूक करते हैं। बस करेंगे तमाशे, बस करेंगे बदमाशियाँ। पाँच माह बहुत लंबा अरसा होता है, कोई सबूत है तो पेश करें। सबूत लेकिन आएगा कहाँ से, जब जुर्म किया ही कोई नहीं है? तो सबूत हैं तो पेश करें, वरना जो बेगुनाह लोग अंदर बंद हैं, बस करें उनके साथ ये जुल्म करना। ज़मानतें दें उनको अब।